गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। ओके, आर यू रेडी फॉर ईवीएस क्लास? कम लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल बी डूइंग लेसन टू, माय बॉडी। ओके, सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 15 ऑफ सैपलिंग बुक। अब आपको हम लेसन टू माय बॉडी पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप अपना इंडेक्स देखिए, से द इंडेक्स चैप्टर टू माय बॉडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय बॉडी, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी? बॉडी का मतलब पता है आपको? आपको सभी को पता होगा, बॉडी मीन्स शरीर और माय मीन्स मेरे। ओके, तो माय मेरा शरीर, आज की मैं इसी चैप्टर के में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। ओके, हमारे बॉडी जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स को बच्चे बना हुआ है। ओके, बॉडी पार्ट्स विच वी कैन सी आर ऑल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। जिन बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, जिनको हम देख सकते हैं है ना, और जिनको हम नहीं देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स विच वी कैन नॉट सी आर ऑल इंटरनल बॉडी पार्ट्स। किसको हम नहीं देख सकते हैं? हार्ट, ब्रेन, स्टमक, ये सब क्या हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, बट क्या हैं? इनसाइड बॉडी के अंदर हैं, तो हम इनको नहीं देख सकते है ना। तो ये सब हमारे कौन से हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं। ओके, बट आज हम लोग कौन से बॉडी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स जिनको हम देख सकते हैं, जो बाहर है। अब कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं? ओके, सो आपके पास भी देखिए, ऐसा नहीं है कि इस बॉय को जो आप पिक्चर देख रहे हैं खाली इसी के हैं, आपके पास भी वो सारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे पास हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से ही, तो हेयर। हेयर, एच ए आई आर, हेयर। हेयर मीन बाल, आप लोग के पास भी है और इस बच्चों के इसमें बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले क्या है? हेयर। हेयर की स्पेलिंग लर्न करना है। हेयर मीन क्या होता है? बाल। व्हाट इज द कलर ऑफ हेयर? ब्लैक है ना, मोस्टली ब्लैक कलर ही होता है ना हेयर का। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके वाइट भी हो जाते हैं, बट मोस्टली ब्लैक। ओके, तो सबसे पहला पार्ट्स क्या है उनका? हेयर। हेयर एंड सेकेंड है आपका फोरहेड। फोरहेड, एफ ओ आर ई एच ई ए डी, फोरहेड। फोरहेड मीन होता है माथा, जो बाल के नीचे ही होता है। सेकेंड पार्ट हमारा फोरहेड। थर्ड आई, ई वाई ई आई, आई मीन आंख। हाउ मैनी आईज डू यू हैव? टू आईज ना, आपके पास टू आईज होती है ना, वन तो नहीं होती। हाउ मैनी आईज डू यू हैव? टू आईज। नोज, एन ओ एस ई, नोज। नोज मीन नाक। नोज, नोज मीन नाक। हाउ मैनी नोज डू यू हैव? वन नोज। नोज हमारे पास वन ही है और आइस हमारे पास टू है। इनसे क्या वर्क होता है मैं आगे डिस्कस करूंगी, अभी आप खाली इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है और बॉडी पार्ट्स नेम लर्न करनी है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग। टी ओ एन जी यू ई, टंग। टंग मीन्स जी, टंग मीन्स जी। टंग का वर्क होता है टेस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट नेक, एन ई सी के, नेक। नेक मीन्स गर्दन, नेक मीन्स गर्दन। ये भी आपके पास बनी होती है ना, टंग भी आपके पास बनी होता है और नोज भी आपके पास बन होता है। ओके, नेक, नेक मीन्स गर्दन। नाउ आईब्रो, ई वाई ई बी आर ओ डब्ल्यू, आई ब्रो। आई ब्रो भी आपके पास टू होती है, क्योंकि जब आईज टू है और ये आईज के ऊपर होती है, तो आपके पास आईज टू है तो आईब्रो भी टू ही होंगी। आई ब्रो, ई वाई ई आई बी आर ओ डब्ल्यू, ब्रो। ईयर, ई ए आर, ईयर। ईयर मीन्स कान। हाउ मैनी ईयर्स डू यू हैव? आई हैव टू ईयर्स। आई हैव टू आईज एंड आई हैव टू ईयर्स। ओके, ई ए आर, ईयर। ईयर मीन्स कान। टीथ, टी डबल ई टी एच, टीथ। टीथ, टीथ मीन्स दांत। व्हाट इज द कलर ऑफ टीथ? व्हाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ टीथ?
वाइट. नेक्स्ट शोल्जर, एस एच ओ यू एल डी ई आर, शोल्जर्स मीन कंधा, शोल्जर्स मीन्स कंधा. आर्म, ए आर एम आर्म, आर्म मीन्स भुजा, ये आपका हैंड का ही पार्ट्स है. आर्म मीन्स भुजा, इसको क्या कहते हैं, भुजा. इबो, ई एल बी ओ डब्ल्यू, इबो, इसमें स्पेलिंग में एल आता है पर एल साइलेंट हो जाता है बोलने में, इसको बोलते हैं इबो. इबो मीन्स होता है कोहनी, ये भी आपका हैंड का ही पार्ट्स है. इबो. हैंड, एच ए एन डी, हैंड, हैंड मीन्स हाथ, इससे आप बहुत सारा बात करते हो. एच ए एन डी, हैंड, हैंड मीन्स हाथ. फिंगर, एफ आई एन जी ई आर, फिंगर, फिंगर मीन्स उंगलियाँ, फिंगर मीन उंगलियाँ. हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, आई हैव 10 फिंगर्स. अगर आपके पास टू हैंड्स हैं, भाई हैं टू हैंड्स, और फिंगर्स कितनी है 10. हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव, आई हैव 10 फिंगर्स. नी, के एन डबल ई, नी, नी मीन्स घुटने, नी मीन्स घुटने, के एन डबल ई नी, इसको बोलते नहीं है लेकिन स्पेलिंग इससे के से स्टार्ट होती है. ओके, तो क्या, नी मीन्स घुटना. फुट, एफ डबल ओ टी, फुट, फुट मीन्स क्या होता है, पैर का तलवा या पंजा, है ना. फुट मीन्स जो पैर का हमारा होता है पोर्शन, तलवा, उसको कहते हैं फुट. टो, टी ओ ई टू, टो मीन्स पैर की जो उंगलियां होती हैं उनको बोलते हैं टो, टी ओ ई टो, टो मीन्स क्या होता है, पैर की उंगलियां. एंकल, ए एन के एल ई, एंकल, एंकल मीन्स क्या होता है, एड़ी, जैसे आपका ये इबो होता है हाथ का कोहनी, उसको इबो बोलते हैं, और पैर की जो एड़ी होती है उसको बोलते हैं एंकल, ए एन के एल ई, एंकल. देखा आपने, इतने सारे आपके पास बॉडी पार्ट्स हैं, कोई सिंगल है और कोई टू टू है और कोई 10-10 है. तो ये सारे बॉडी पार्ट्स को आपको क्या करना है, स्पेलिंग की लर्न करनी है. ओके, वन वन स्पेलिंग को, वन वन बॉडी पार्ट्स को, आपको स्पेलिंग को कम से कम 5-5 times आपको लर्न करनी है, देन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, हर स्पेलिंग को आपको 5-5 times लिखना है. ओके, इसमें आपको सारे बॉडी पार्ट्स जो भी दिए गए हैं इनको आपको लर्न करके राइट करना है. मैंने आपको बताया ये हमारे कौन से पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल, क्योंकि ये सारे पार्ट्स हमको दिखते हैं, है ना, विच वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, क्योंकि इन पार्ट्स को हम देख सकते हैं. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते, इनको तो हम सबको देख सकते हैं, इसलिए ये कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल. ओके, आपको समझ में आ गया है, ये सारे बॉडी पार्ट्स के नेम भी पढ़ने आ गए हैं. अब आपको क्या करना है, सारी स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करना है और फिर उनको कॉपी में नोट डाउन करना है. ओके, सो आपके पास, आपने देखे ये सभी बॉडी पार्ट्स जो भी हैं आपके, ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको स्पेलिंग लर्न कर लेना है, उसके बाद उसको डिफिकल्ट वर्ड्स के रूप में सारे वर्ड्स को 5-5 times लिखना है और लर्न करके अपने पेरेंट्स को सुनाना है. ओके, अब इनसे क्या क्या वर्क होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, कि आई से क्या वर्क होता है, हैंड से क्या होता है, फिंगर से क्या होता है, इसको मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी. और आप कभी एक इसमें एक्टिविटी भी कर सकते हो, एक्टिविटी आप ये कर सकते हो कि आप अपने कज़िन हो या अपने फ्रेंड्स हो, उनको आप अपने सामने खड़ा कर लो और उनके सारे बॉडी पार्ट्स को आप क्या करोगे, देखोगे और उस स्पेलिंग से बोलोगे. जैसे आपने अपने एक फ्रेंड्स को खड़ा किया, उसकी नोज को टच किया, एन ओ एस ई नोज, आइज को टच किया, ई वाई एस आइज, ईयर को टच किया, ई आर ईयर, इस तरह से आप एक एक्टिविटी भी आप खेल खेल में कर सकते हो और आप करो इस एक्टिविटी को, जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप से आपको सारे बॉडी पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो अब आप अच्छे से इनको आप लर्न करिए, लिखिए इनको और अपने मम्मा को सुनाइए और ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. आप उसके बॉडी पार्ट्स को उनके बॉडी पार्ट्स को आप टेकआउट करिए और आप अपने अपने बॉडी पार्ट्स को अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो उसको
चेकआउट करो. ओके, सो आई होप यू हैव ऑल फन. नाउ वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो योर होमवर्क इज लर्न ऑल बॉडी पार्ट्स विद नेम एंड राइट ईवीएस नोटबुक. टिल देम, बाय बाय.